हेलो एवरीवन दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ सारंग गुजराती कॉमर्स एकेडमी। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो दोस्तों, जो भी मेरा लास्ट वीडियो था, दैट इज वीडियो नंबर इफ आई एम नॉट रॉन्ग 8 था शायद, है ना? तो 8 या 9 कोई वीडियो नंबर था वो, तो जो भी रहेगा यार वो जाने दो। तो वो जो मेरा वीडियो था, वो वीडियो के अंदर वहां पे मैंने आप सभी लोगों को दोस्तों जो आपका यूटिलिटी के टाइप्स होते हैं वो वहां पे मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे, और साथ साथ में वहां पे मैंने आप सभी लोगों को जो अपना टोटल यूटिलिटी है और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है वो भी वहां पे मैंने आपको बताया था, जिसका वहां पे टॉपिक का नाम था कंसेप्ट्स ऑफ यूटिलिटी। ठीक है, तो वहां पे हमने दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से दो चीजें समझ ली थी कि एग्जैक्टली टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी होता क्या है। यूटिलिटी के जो भी अपन ने वहां पे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 6 वहां पे अपन ने टाइप्स देखे थे। ठीक है, सो यस, ये जो भी मेरा लेक्चर होगा गाइस, तो इस वीडियो के अंदर या इस लेक्चर के अंदर यहाँ पे हम सब लोग आपका यूटिलिटी वाले चैप्टर का जो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, तो ये मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो प्लीज अच्छे से आप लोग यहाँ पे ध्यान देना, आपको यहाँ पे ये अगर समझ में आ गया दोस्तों तो वहां पे आपको चैप्टर का पूरा क्रक्स ध्यान में आ जाएगा। ठीक है, So, अभी देखो यार यहाँ पे ना मैंने जानबूझ के दो बार ये जो टेक्स्ट बुक है उसको ओपन किया है। एक साइड के टेक्स्ट बुक के अंदर यहाँ पे मैं आप सभी लोगों के लिए जो टेक्स्ट है वो रखूंगा, और दूसरे साइड में यहाँ पे जो आपको टेबल दिया है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, अभी ना गाइस देखो, वहां पे मैंने आप सभी लोगों को ऑलरेडी बता दिया था कि जो भी अपना टोटल यूटिलिटी होता है, तो टोटल यूटिलिटी मतलब जितने भी यूनिट्स या जितने भी कमोडिटीज का मैं वहां पे कंजम्पशन करूंगा, तो वो सारे के सारे यूनिट्स या कमोडिटी का कंजम्पशन करने के बाद मुझे जितना भी यूटिलिटी मिलता है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, टोटल यूटिलिटी, यस और नो। और मार्जिनल यूटिलिटी मतलब वहां पे हमने देखा था कि अगर मैं एडिशनल यूनिट कोई कंजम्पशन कर रहा हूं, तो एडिशनल यूनिट का कंजम्पशन करने की वजह से मुझे एडिशनल कितना बेनिफिट मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, तो अभी एक बार अच्छे से ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं। तो देखो यार दोस्तों, अगर आप एक काम करो, आप सभी लोग है ना, आपका जो इकोनॉमिक्स का टेक्स्ट बुक है राइट, तो उसका पेज नंबर 11 जो है ना वो एक बार वहां पे आप निकालो, मतलब आप सभी लोगों को भी ध्यान में आएगा मैं आपको क्या बोल रहा हूं। ठीक है, अपन ना ये पढ़ते टाइम वहां पे बहुत सारी चीजें डिराइव करने वाले, डिराइव मतलब जैसे मैं आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस बताऊंगा, और ये ऑब्जर्वेशंस वहां पे आप सभी लोगों को एमसीक्यू में बोलो या एग्री डिसएग्री में बोलो या ट्रू और फॉल्स में बोलो, वहां पे आप सभी लोगों को पूछा जा सकता है। ठीक है, सो अभी देखो अच्छे से ध्यान देना थोड़ा। सो देखो यार दोस्तों, यहाँ पे ना वो सभी लोगों ने क्या किया हुआ है, यहाँ पे यूनिट्स ऑफ एक्स दिया है। एक्स मतलब यहाँ पे कोई भी कमोडिटी पकड़ लो, जैसे आप चाहिए तो ये यूनिट को आप वहां पे मैंगो भी समझ सकते हो। यूनिट्स ऑफ एक्स मतलब मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंगो का अपन एग्जांपल ले रहे। ठीक है, तो अभी देखो यार, उन्होंने यहाँ पे क्या किया, यूटिलिटी शेड्यूल में 3 कॉलम बनाए। पहला यूनिट्स ऑफ एक्स मतलब अपन वहां पे कितने मैंगोज का कंजम्पशन कर रहे हैं। सेकेंड है टोटल यूटिलिटी, मतलब पहला मैंगो खाया तो कितना यूटिलिटी मिला, पहले 2 खाए तो कितने मिले, पहले 3 खाए तो कितने मिले अकॉर्डिंगली। और उन्होंने मार्जिनल यूटिलिटी दिया, मार्जिनल मतलब पहले आम से कितना मिला, सेकेंड आम से कितना मिला, थर्ड आम से कितना मिला, फोर्थ आम से कितना मिला, समझ में आ रहा है ना? अभी ध्यान दो, तो अगर आप देखोगे ना दोस्तों, तो यहाँ पे पहले मैंगो का कंजम्पशन करने के बाद, जैसे देखो यहाँ पे उन्होंने दिया है पहले मैंगो का कंजम्पशन करने के बाद यहाँ पे मुझे टोटली 10 यूटिलिटी मिला और मार्जिनल यूटिलिटी भी 10 मिला। ठीक है, देखो एट द वेरी फर्स्ट यूनिट ऑफ कंजम्पशन Your total utility and marginal utility will be same. क्या बोला मैंने आपको? जब आप पहला यूनिट का कंजम्पशन करते हो, जब आप पहले यूनिट का कंजम्पशन करते हो, वो टाइम पे आपका टोटल यूटिलिटी जितना है उतना ही आपका मार्जिनल यूटिलिटी रहेगा। समझ में आ रहा है पक्का आपको मैंने क्या बोला? तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पहला ऑब्जर्वेशन यहाँ पे तुरंत लिख देता हूँ बेटा, आप सभी लोग भी वहां पे चाहिए तो ये लिख सकते हो। क्या बोला मैंने आपको? एट वेरी फर्स्ट यूनिट, एट वेरी फर्स्ट यूनिट ऑफ कंजम्पशन, जब भी आप पहले यूनिट का वहां पे कंजम्पशन कर रहे हो, यूअर टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी। ये अपना पहले वाला वहां पे ऑब्जर्वेशन हो गया। ठीक है, डन, पक्का इतना एकदम टकाटक समझ में आया। अभी सेकेंड देखो, सुनो, मैंने यहाँ पे ना अभी पहले से क्या किया, दूसरा मैंगो का कंजम्पशन किया, बरोबर। तो पहले मैंगो से मुझे कितना मिला था, 10 रुपया का, मान लो फॉर एग्जांपल मुझे सेटिस्फेक्शन मिला था।
तो हर एक जो भी मैं यूनिट वहां पे कंज्यूम करूंगा, जैसे पहले आम से दूसरा आम खाऊंगा, तो हर एक आम खाने के बाद मुझे कुछ ना कुछ तो यूटिलिटी मिलेगा ना, ये तो आप एग्री करते हो बराबर ना? यस सर, एकदम बराबर बोल रहे हो। तो पहले मैंगो में से मुझे 10 का यूटिलिटी मिला, अभी मैंने दूसरा मैंगो पर वहां पे कंज्यूम किया, तो मतलब इसका मतलब मैंने पहला नहीं दूसरा, पहले दो मैंगो कंज्यूम किए, समझ में आएगा? तो पहले दो मैंगो से मुझे टोटल कितना मिला, 18 मिला, समझ में आया क्या? मैं क्या, ये 18 कैसे आया? तो पहले का 10 और दूसरे का 8, इसलिए 18 आया। समझा ना मैंने आपको क्या बोला? देखो टोटल यूटिलिटी मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, अभी तक मैंने जितने भी यूनिट्स का कंजम्पशन किया है वो सारे यूनिट का मिलके कितना मिल रहा है सेटिस्फेक्शन, दैट इज टोटल यूटिलिटी, समझा ना? तो अभी आप जब भी यहाँ पे टोटल यूटिलिटी पढ़ोगे तो आपको ये समझना, जैसे एक के सामने 10 है मतलब ये पहले यूनिट का कंजम्पशन, पहले मैंगो, एक मैंगो खाने के बाद 10 का यूटिलिटी मिला। यहाँ पे दो के सामने टोटल है, मतलब टोटल में, टोटल यूटिलिटी में दो के सामने 18 दिया हुआ है, बराबर ना? इसका मतलब ये होगा कि पहले दो मैंगो खाने के बाद 18 का सेटिस्फेक्शन मिला। टोटल यूटिलिटी में तीन के सामने 24 दिया हुआ है, बराबर ना? मतलब पहले तीन मैंगो खाने के बाद मुझे 24 का यूटिलिटी मिला, समझ में आ रहा है क्या मैं आपको क्या बोल रहा हूं? तो ये क्या रहेगा आप मुझे बताओ। चलो चार के सामने 28 है, इसका, इसको कैसे आपको मतलब आप समझना है, चार के सामने 28 दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मुझे पहले चार यूनिट्स के कंजम्पशन में से 28 का वहां पे यूटिलिटी मिला, पहले चार में से कितना मिला, 28 का मिला, पहले पांच में से कितना मिला, 30 मिला। आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे हो, ठीक है, पक्का क्लियर है यहां तक आप लोगों को? बहुत अच्छी बात है, ठीक है। सो अभी ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, और अगर आप ये मार्जिनल का अगर देखोगे राइट, तो पहले यूनिट में टोटल यानी मार्जिनल सेम है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड में अगर आप देखोगे तो सेकेंड में टोटल यूटिलिटी 18 है, तो मार्जिनल मतलब मैंने आपको याद है क्या क्या बोला था? मार्जिनल मतलब मैंने आपको बोला था एडिशनल यूनिट का कंजम्पशन करने की वजह से हमको एडिशनल कितना यूटिलिटी मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, मार्जिनल यूटिलिटी, याद है क्या आपको? तो क्या मैं ऐसे बोलू क्या, मार्जिनल यूटिलिटी इज नथिंग बट द डिफरेंस बिटवीन टू यूटिलिटी, डिफरेंस बिटवीन टू यूटिलिटी, टू टोटल यूटिलिटी, डिफरेंस बिटवीन टू टोटल यूटिलिटी, समझ में आ रहा है ना? एकदम आसान है, देखो मैंने आपको बोला था ना एडिशनल यूनिट का कंजम्पशन करने की वजह से, एक से दूसरा आम खाया तो यूटिलिटी भी तो बढ़ा ना, तो कितने से बढ़ा, एक यूनिट अगर मैं ज्यादा कंज्यूम कर रहा हूं तो कितने से यूटिलिटी बढ़ रहा है, 8 से बढ़ रहा है। मतलब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, दूसरे टोटल यूटिलिटी में से ये सेकेंड, देखो ये टोटल यूटिलिटी एट सेकेंड यूनिट है, 18 क्या यार, दो मैंगो खाने के बाद 18 मिला ना, तो मतलब सेकंड यूनिट का टोटल यूटिलिटी 18 है, ओके, यानी सेकंड नहीं, पहले दो यूनिट्स का टोटल यूटिलिटी 18 है, यानी पहले यूनिट का टोटल यूटिलिटी 10 है, बराबर है क्या? मैं क्या करूंगा, पहले दो टोटल यूटिलिटी में से पहला टोटल यूटिलिटी माइनस करूंगा, तो ये मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे, 8 मिलेगा, समझा? इतना याद रखना बेटा, मार्जिनल यूटिलिटी मतलब क्या समझ लो, यहाँ पे मैं लिखता हूं मार्जिनल यूटिलिटी मतलब टोटल यूटिलिटी एट एन यूनिट, एन मतलब जो भी आगे वाला है, माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ एन माइनस वन यूनिट, एन माइनस वन मतलब पीछे का, ओके। जैसे फॉर एग्जांपल ये इसमें अगर मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूं तो ये मेरा हो जाएगा टोटल यूटिलिटी ऑफ एन, अगर एन मतलब दो है तो टोटल यूटिलिटी ऑफ एन माइनस वन मतलब एक रहेगा, समझा ना मैं आपको क्या बोल रहा हूं? मतलब इसमें क्या करना है, अगला माइनस पिछला करना है, ठीक है, दैट्स इट। तो आपका मार्जिनल जो है ना बेटा, प्लीज समझ लो, आपका मार्जिनल जो रहेगा ना वो हमेशा दो टोटल यूटिलिटी का डिफरेंस रहेगा। आप चेक करना, देखो पहला तो सेम रहता है मैंने आपको बोला, सेकंड में देखो आपका कैसे आएगा, 18 माइनस 10 8 आया, 24 माइनस 18 6 आया, 28 माइनस 24 4 आया, दिख रहा है आप लोगों को? फिर यहाँ पे 30 माइनस 28, आगे देखो यहाँ पे 30 माइनस 28 2 आया, 30 माइनस 30 0 आया, 28 माइनस 30 माइनस 2 आया, समझ में आया क्या पक्का कैसे करना है, डन क्या इतना, ओके। अभी और एक बार समझ लो, अभी अपन ने दो ऑब्जर्वेशन अभी तक देखे, पहला अपन ने क्या देखा, वहां पे यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द वेरी फर्स्ट यूनिट इज ऑलवेज सेम, वो अपन ने देखा।
दूसरा वहां पे अपन ने क्या देखा, मार्जिनल यूटिलिटी नथिंग बट व्हाट, डिफरेंस बिटवीन टू टोटल यूटिलिटी, डिफरेंस बिटवीन टू टोटल यूटिलिटी मतलब मार्जिनल यूटिलिटी रहता है, बराबर है क्या। तीसरा अभी ध्यान देना, सुनना मेरी बात, ठीक है। देखो अभी तीसरे में हमको अगर आप देखोगे ना तो वो क्या बोल रहे, देखो टोटल यूटिलिटी इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, टोटल यूटिलिटी हमेशा बढ़ रहा है आपका, टोटल यूटिलिटी आपका हमेशा बढ़ रहा है, ठीक है। बट अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे आपका टोटल यूटिलिटी 8 से बढ़ा था, यहाँ पे आपका टोटल यूटिलिटी 6 से बढ़ा, यहाँ पे आपका देखो ना 6 से बढ़ा है, यहाँ पे आपका बढ़ा है 4 से, यहाँ पे आपका बढ़ा है 2 से, मतलब टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रहा है बट वो डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है, समझा। डिमिनिशिंग रेट मतलब क्या, जैसे पहले 8 से बढ़ा, फिर 6 से बढ़ा, फिर 4 से, तो कम 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 से बढ़ रहा है, समझ में आया क्या पक्का। तो वहां पे ऑब्जर्वेशन और एक वहां पे आप लिख लो, क्या लिखोगे कि भैया योर टोटल यूटिलिटी ऑलवेज इंक्रीजेस, टोटल यूटिलिटी ऑलवेज इंक्रीजेस बट एट डिमिनिशिंग रेट, बट एट कौन से रेट, डिमिनिशिंग रेट, डिमिनिशिंग रेट से टोटल यूटिलिटी हमेशा बढ़ेगा, पक्का क्लियर है क्या, बताओ। अभी देखो और एक बात आपको बोलता हूं, ध्यान देना बेटा, ये अपना टोटल यूटिलिटी का तो हो गया, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे मार्जिनल यूटिलिटी में, तो मार्जिनल यूटिलिटी कभी भी बढ़ता हुआ आपको दिख रहा है क्या, नहीं, मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा आपका डिक्रीज हो जाएगा, मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा क्या होगा बोला आपका, डिक्रीज होगा, ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट वहां पे आप लोग लिखोगे, मार्जिनल यूटिलिटी ऑलवेज डिक्रीजेस, मार्जिनल यूटिलिटी ऑलवेज डिक्रीजेस। अभी आप बोलोगे सर ऐसा क्यों, सर मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा डिक्रीज क्यों होता है, तो देखो पहली बात तो ये समझ लो, देखो यार दोस्तों एक वहां पे कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ओके, DMU करके कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अभी उसमें क्या बोला हुआ है पता है क्या, कि जब भी अपन वहां पे कोई भी चीजों का कंटिन्यूअसली कंजम्पशन करते हैं, कंटिन्यूअसली मतलब क्या, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको बोलूं तो गुलाब जामुन का आपको एग्जाम्पल देता हूं मैं, ठीक है। अभी उसमें कैसे होगा, मान लो फॉर एग्जाम्पल, अभी मुझे एक बात बोलो आप लोग, राइट, कि यार जब भी आप वहां पे किसी भी चीज का वेरी फर्स्ट टाइम कंजम्पशन करते हो, ओके, तो वो उसमें से मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है वो हमेशा ज्यादा ही रहता है, समझा क्या। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो मुझे किसी ने खाने के लिए वहां पे 4 गुलाब जामुन दिए एक कटोरी में, ठीक है, तो मैंने क्या किया, पहला गुलाब जामुन खाया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत सेटिस्फेक्शन मिला, फिर दूसरा खाया, तो ऑब्वियसली जब भी मैं सेकेंड गुलाब जामुन वहां पे खाऊंगा तो पहले से तो मुझे थोड़ा कम ही सेटिस्फेक्शन मिलेगा ना। आप जब भी कोई भी बाहर से खाना वगैरह खाने को लाते हो घर पे, तो स्टार्टिंग में फूड आपको बहुत अच्छा लगता है ना, क्योंकि आपकी क्रेविंग रहती है उतनी ज्यादा, बट बाद में आपको ऐसा लगता है ठीक है यार, मतलब होता है ना ऐसे, सबके साथ होता है, राइट। तो हमेशा रखना बेटा कि जैसे जैसे अपन वहां पे किसी भी यूनिट का कंजम्पशन करते हैं तो वैसा वैसा उसमें से मिलने वाला जो अपना सेटिस्फेक्शन है वो हमेशा कम कम होते जाएगा, हमेशा क्या होगा बोलो, कम कम होगा, इतना याद रहेगा क्या। और इसलिए आपका टोटल यूटिलिटी बढ़ेगा बट एट द डिमिनिशिंग रेट, एंड अगर टोटल यूटिलिटी अगर डिमिनिशिंग रेट से बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली मार्जिन यूटिलिटी तो दो टोटल यूटिलिटी का डिफरेंस ही तो है, तो अगर टोटल यूटिलिटी कम कम से बढ़ रहा है तो मार्जिनल तो कम ही होगा, वो कभी बढ़ेगा ही नहीं। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। सो यस, ये चार ऑब्जर्वेशन आपको अभी तक समझ में आया क्या, बताओ जल्दी से फटाफट मुझे, एक बार कमेंट करो यस और नो करके, ठीक है, ओके। अभी देखो यार दोस्तों, अभी मैं आपके साथ जो बात करूंगा ना, बहुत गहरी बात करने वाला हूं, अच्छे से ध्यान देना, ठीक है। लेकिन ये आगे की चीजें सिखाने के लिए मुझे आप सभी लोगों को एक क्या करना पड़ेगा पता है क्या, ग्राफ बना के बताना पड़ेगा, ठीक है, फिर आपको समझ में आ जाएगा, ओके। अभी देखो यार दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल ये अपना क्या है बोलो, शेड्यूल है, ओके, ये अपना टेबल है जिसके अंदर उन्होंने वहां पे हमको जो भी आप यूनिट का कंजम्पशन कर रहे हो वो आपको दिया हुआ है कि आपने कितने यूनिट्स वहां पे कंज्यूम किए, और साथ साथ में वहां पे आपको हर एक यूनिट में से मिलने वाला टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे पता है क्या, ये टेबल को अपन ना वहां पे ग्राफ के ऊपर प्लॉट करते हैं, किसके ऊपर करेंगे, ग्राफ के ऊपर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे उन्होंने हमको ग्राफ दिया हुआ है, प्लीज अच्छे से ध्यान देना, मस्ती मत करना, ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर रहे हैं अपन लोग। अभी देखो यार, तो ये जो यहाँ पे आपको ग्राफ दिख रहा है ना बेटा, तो एक ग्राफ में यहाँ पे क्या किया है, तो मैंने ना यहाँ पे मेरे दो एक्सिस है, पहला है x एक्सिस, दूसरा है y एक्सिस, ठीक है।
तो एक्स एक्सिस पे यहाँ पे मैंने क्या किया, यूनिट ऑफ कमोडिटी एक्स दिया हुआ है, मतलब जो भी यूनिट का मैं वहां पे कंजम्पशन कर रहा हूँ ना वो मैंने वहां पे लिखा हुआ है। और सेकेंड वहां पे ना मैं हर एक यूनिट में से कितना टोटल यूटिलिटी मिला, नहीं कितना मार्जिन यूटिलिटी मिला, वो भी मैंने यहाँ पे वाई एक्सिस पे लिख दिया। ओके, अभी देखो यार दोस्तों, मुझे यहाँ पे पहले यूनिट कंज्यूम करने के बाद कितने का टोटल यूटिलिटी मिला, 10 का मिला, बरोबर। और मार्जिनल भी कितने का मिला, 10 का मिला, ठीक है। तो देखो पहले यूनिट का कंजम्पशन करने के बाद मेरा टोटल और मार्जिनल दोनों कितना है, बोलो यहाँ पे 10 है। इतना समझ में आया पक्का? हाँ सर समझ में आ रहा है, ठीक है। अभी देखो सेकेंड यूनिट का करने के बाद टोटल यूटिलिटी कितना मिला, 18 मिला। तो देखो अभी सेकेंड यूनिट का कंजम्पशन और यूटिलिटी 18, देखो ना यहाँ पे 18 है, ये टोटल यूटिलिटी है। सुनो मेरी बात गाइस, ये जो ग्राफ है ना, ये जो कर्व है ना मेरा, ये वाला जिस जो अभी मैंने येलो से किया हुआ है ना, ये मेरा किस चीज का कर्व है बच्चा, टोटल यूटिलिटी का कर्व है, ठीक है। और अभी मैं ये जो सेकेंड वाला ग्रीन वाला कर रहा हूं ना, ये वाला, ये किसका कर्व है बेटा, तो ये है मेरे मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व। इतना याद रखना पहला बात, ठीक है ना। तो देखो टोटल यूटिलिटी अगर आप देखोगे तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, बस ये मैं टेबल को ये ग्राफ के ऊपर प्लॉट कर रहा हूं, ठीक है। तो मान लो फॉर एग्जांपल मैंने प्लॉट कर दिया, इतना तो अभी आप समझ सकते हो ना यारो, 3 का 24 है, तो देखो ना 3 का 24 है ना, बस ऐसे उन्होंने टोटल यानी मार्जिनल का यहाँ पे प्लॉट किया हुआ है और कुछ नहीं किया है। इतना तो समझ में आया ना पक्का? हाँ सर समझ में आ गया, ठीक है। अभी देखो यार दोस्तों क्या होता है, समझ लो मेरी बात, जब भी अपन है ना वहां पे यूनिट का कंटिन्यूअसली कंजम्पशन करते जाते हैं, बरोबर, तो वो टाइम पे ना ऐसा एक टाइम आता है दोस्तों कि उसमें से वहां पे हम सभी लोगों को मतलब कुछ भी आगे सेटिस्फेक्शन ही नहीं मिलता। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, मान लो मैंने 10 गुलाब जामुन खा लिए, ठीक है, और अभी ऐसा टाइम है ना यार कि मुझे, मैंने खाया या नहीं खाया तो अभी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी मेरे मान लो रिलेटिव ने मुझे और एक गुलाब जामुन खिला दिया, तो 10 से जब भी मैंने 11 गुलाब जामुन खाया तो उसमें से मुझे कोई एडिशनल यूटिलिटी मिला ही नहीं, ठीक है। मतलब जितना 10 खाया वो अच्छा लगा था, उतना ही 11 खाया तो भी लगा, उसके आगे मतलब ज्यादा मुझे कुछ यूटिलिटी मिला ही नहीं उसमें से, ठीक है। तो देखो वैसा ही उन्होंने दिया हुआ है कि यहाँ पे आप जब भी फिफ्थ यूनिट का कंजम्पशन कर रहे हो वो टाइम पे आपका टोटल यूटिलिटी कितना है, 30 है, और जब भी आप सिक्स यूनिट का कंजम्पशन कर रहे हो वो टाइम पे भी आपका टोटल यूटिलिटी कितना है, 30 है। मतलब यहाँ पे आपने एडिशनल यूनिट का कंजम्पशन तो किया, आपने 5 से 6 मैंगो तो खाया, बट मैंगो 6 वाला मैंगो खाने के बाद कुछ एडिशनल यूटिलिटी मिला क्या, नहीं मिला सर। समझ में आया क्या, ध्यान में आ रहा है पक्का? मतलब ये ऐसा पॉइंट है दोस्तों, ये 6 वाला मैंगो ये ऐसा पॉइंट है कि जहां पे मैंने कंजम्पशन करने के बाद भी यूटिलिटी बढ़ रहा नहीं है। समझ में आया कि मैं क्या बोल रहा? तो क्या मैं ऐसे बोलूं क्या दोस्तों कि ये 6 मैंगो मतलब ऐसा पॉइंट है जहां पे मेरा टोटल यूटिलिटी है, मैक्सिमम है, उसके आगे जाएगा ही नहीं जाएगा, उसके आगे कभी जाएगा ही नहीं। आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूं? हमेशा याद रखना बच्चा, ऐसा पॉइंट एक आएगा जहां पे तुम्हारा टोटल यूटिलिटी कॉन्स्टेंट रहेगा। क्या बोला मैंने? ऐसा एक वहां पे पॉइंट आएगा जहां पे तुम्हारा टोटल यूटिलिटी कॉन्स्टेंट रहेगा। समझ में आया क्या? और याद रखना, जो पॉइंट पे तुम्हारा टोटल यूटिलिटी कांस्टेंट रहेगा ना, वो पॉइंट को वहां पे अपन बोलते हैं, या वो पॉइंट पे वहां पे तुम्हारा टोटल यूटिलिटी है मैक्सिमम रहता है। टोटल यूटिलिटी कैसा रहता है, मैक्स। आप देखो ना ये सारे इसमें आपको दिखेगा यहाँ पे मैक्सिमम 30 है करके। समझ में आया क्या? तो याद रखना बेटा, कोई भी रैशनल कंज्यूमर, रैशनल मतलब कोई भी नॉर्मल इंसान जो है, अभी तुम मान लो फॉर एग्जाम्पल 11 गुलाब जामुन खाने के बाद भी तुम्हारा यूटिलिटी उतना ही है, अभी बढ़ रहा नहीं है, तो उसके बाद तुम आगे जबरदस्ती अगर खाओगे ना, जबरदस्ती अगर किसी चीज का कंजम्पशन करोगे ना, तो उल्टा तुमको वोमिट हो जाएगा, वो डिसयूटिलिटी हो जाएगा। समझ में आया क्या? तो किसी भी रैशनल कंज्यूमर ने किसी भी कमोडिटी का कंजम्पशन ये तब तक करना चाहिए जब तक उसका टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम नहीं होता। एक बार उसका टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो जाए तो उसके आगे उसने किसी भी कमोडिटी का कंजम्पशन ये कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, उसने वो कमोडिटी का कंजम्पशन वहां पे बंद कर देना चाहिए। समझा के मैं आपको क्या बोल रहा हूं? और जो भी ऐसा यूनिट है, जैसे अभी अपन देखा ना ये टेबल में कि यहाँ पे मेरा 6 ऐसा यूनिट है जहां पे मेरा टोटल यूटिलिटी है कॉन्स्टेंट रह के मैक्सिमम है, मतलब ये पॉइंट पे 6 यूनिट पे मेरा कॉन्स्टेंट भी है मैक्सिमम भी है। समझा क्या?
तो ये जो पॉइंट रहेगा ना बेटा, इसको मैं यहाँ पे बोलता पॉइंट ऑफ सैटिटी। क्या बोलता है इसको मैं? पॉइंट ऑफ सैटिटी बोलता है। समझा के मैं आपको क्या बोल रहा हूं? और हमेशा याद रखना बेटा कि जब भी वहां पे मेरा टोटल यूटिलिटी एक कॉन्स्टेंट हो जाएगा, देखो ना यहाँ पे 30 और 30 टोटल यूटिलिटी यहाँ पे मेरा जब भी क्या हो जाएगा बेटा, कॉन्स्टेंट हो जाएगा, वो टाइम पे मेरा मार्जिनल यूटिलिटी जीरो रहेगा। वो टाइम पे मेरा मार्जिनल यूटिलिटी क्या रहेगा बोलो? जीरो रहेगा। समझा क्या पक्का? तो एक ऑब्जर्वेशन और एक मैंने आपको बोला अभी कि व्हेन योर टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम, व्हेन योर टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम एट दैट टाइम योर मार्जिनल यूटिलिटी इज जीरो। एंड ये जो पॉइंट है इसको अपन बोलते हैं पॉइंट ऑफ सैटिटी। क्या बोलते हैं इसको अपन? पॉइंट ऑफ सैटिटी। यानी पॉइंट ऑफ सैटिटी पे कोई भी जो मेरा रैशनल कंज्यूमर रहेगा, वो रैशनल कंज्यूमर ने किसी भी गुड्स का कंजम्पशन ये क्या करना चाहिए यहाँ पे? स्टॉप करना चाहिए। अगर फिर भी उसने वहां पे कंटिन्यू किया तो तुम्हारा टोटल यूटिलिटी ये डिक्रीज होगा, और अगर तुम्हारा टोटल यूटिलिटी डिक्रीज हुआ तो तुम्हारा मार्जिनल यूटिलिटी निगेटिव में चले जाएगा, क्योंकि मार्जिनल तो दो टोटल यूटिलिटी का डिफरेंस है। जैसे अपन करते थे ना 18-10, वैसे यहाँ पे 28-30 आएगा, तो यहाँ पे तुम्हारा माइनस में यूटिलिटी चले गया। एंड जब भी तुम्हारा माइनस में यूटिलिटी जाएगा उसको अपन वहां पे बोलते डिस यूटिलिटी। तो जब भी टोटल यूटिलिटी डिक्रीज होगा वो टाइम पे तुम्हारा मार्जिनल यूटिलिटी निगेटिव होगा, यानी इसको अपन बोलते डिस यूटिलिटी। इसको अपन क्या बोलते? डिस यूटिलिटी। समझ में आया क्या पक्का गाइस? तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इसके ऊपर आपको कोई भी एमसीक्यू पूछ सकते, देखना ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। देखो आपके टेक्स्ट बुक के अंदर है ना, उन्होंने यहाँ पे देखो ये दिया हुआ है क्या, है ना, तो वो तो मैंने आपको सिखाई, आप एक बार देख लेना उसको, बाद में आपको समझ में आ जाएगा, राइट। और एक बात याद रखना कि देखो यार, टोटल यूटिलिटी ये अपन कैसे निकालते, जितने भी यूनिट्स का अपन कंजम्पशन कर रहे दैट इज आवर टोटल यूटिलिटी। और मार्जिनल मतलब कैसा? दो टोटल यूटिलिटी का डिफरेंस। तो अगर मैं सारे मार्जिनल यूटिलिटी अगर टोटल लूंगा ना, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी का अगर मैं टोटल लूंगा ना, जैसे इसको अपन बोलेंगे मार्जिनल यूटिलिटी एट फर्स्ट यूनिट, मार्जिनल यूटिलिटी एट सेकंड यूनिट, बराबर ना, तो दोनों का अगर मैं टोटल कर दूंगा, समझो MU1 एंड MU2 का, तो मुझे ये मिलेगा TU2। क्या मिलेगा? TU2, राइट। तो इतना हमेशा याद रखना दोस्तों कि टोटल यूटिलिटी मतलब क्या होता है? मार्जिनल यूटिलिटी का टोटल। क्या रहता है बोलो? मार्जिनल यूटिलिटी का टोटल रहेगा, खत्म। एकदम क्लियर है क्या? बताओ। तो आज आप क्या करना दोस्तों, पहली बात तो ये वीडियो को एक दो बार, दो तीन बार, बार 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 देखना, ओके। अगर फिर ये होने के बाद आप सभी लोगों को यहाँ पे जो थ्योरी दिया हुआ है ना बेटा उन्होंने टेक्स्ट बुक के अंदर, वो आपको यहाँ पे पढ़ना है। समझ में आया क्या? और अगर ये आपने पढ़ने के बाद वहां पे आपको ध्यान में आ जाएगा कि हाँ यहाँ पे सर ने जितना भी बोला ना वही सारा लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आप अच्छे से एक बार पढ़ के आओगे पक्का यहाँ पे आप लोग, और ये जो डायग्राम है ना बेटा ये आपको वहां पे याद रखना है, करना है आपको, ठीक है। ये आपको एग्जाम्स में बहुत बार पूछते हैं वो कि एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। समझा क्या पक्का? तो ये करना है। और एक छोटा सा होमवर्क ले लेना गाइज आज आप लोग, कि यहाँ पे जो आपको ये दिख रहा है क्या डायग्राम, ये टेबल दिख रहा है क्या ये, तो ये टेबल आपको यहाँ पे फिल करके लाना है, ठीक है। तो फिर इसके अगला मेरा जो भी वहां पे लेक्चर होगा गाइज, तो वो लेक्चर में वहां पे मैं आप सभी लोगों को ये जो टेबल है ये आपको सॉल्व करके दे दूंगा, और फिर लॉ ऑफ DMU जो है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इसके ऊपर वहां पे हम लोग चले जाएंगे, ठीक है। सो यस, आई होप जितना भी मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ दोस्तों आपको समझ में आता होगा। देखो यहाँ पे मैं आपको जो भी पढ़ाऊंगा ना बेटा एकदम दिल से पूरा कॉन्सेप्चुअली पढ़ाऊंगा, उसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अपन मुझे कॉन्सेप्ट के बिना पढ़ाना जमता ही नहीं है, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट कोई भी हो यार कॉन्सेप्ट रहता ही है उसमें, कॉन्सेप्ट समझ लो सब्जेक्ट ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा, ठीक है। और जब तक आपको कॉन्सेप्चुअली नहीं समझोगे ना आपको सब्जेक्ट का फील, सब्जेक्ट का ब्यूटी समझ में ही नहीं आएगा, ओके। चलो तो गाइस अगर वीडियो अच्छा लगे पक्का लाइक कर देना, आपके सारे फ्रेंड्स को वीडियो को शेयर कर देना, अगर होता है पॉसिबल दोस्तों तो व्हाट्सएप का स्टेटस रखते जाओ, इंस्टाग्राम का स्टोरी रखते जाओ, टैग करते जाओ वहां पे, है ना। मेरा वहां पे चाहिए तो आप सभी लोगों को इंस्टाग्राम आईडी भी दे देता हूँ। दो इंस्टाग्राम है मेरे, पहला है HG Commerce Academy करके है, HG Commerce Academy करके एक है, और सेकेंड है मेरा GUJARATHI Gujarati SN
ऐसे दो है, ठीक है, आप टैग करो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो फिर दैट्स इट फॉर टुडे दोस्तों, अपन मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।